धर्म कहता है, हिंदू धर्म कहता है कि तपस्वियों की पूजा होनी चाहिए, तो इस देश में तपस्वियों की पूजा क्यों नहीं हो रही है? जो तपस्या कर रहा है उसको इस देश की सरकार कुछ नहीं देती, और जो नरेंद्र मोदी जी की पूजा कर रहा है उसको सारा का सारे दे देती। दो लोग नरेंद्र मोदी जी की पूजा करते हैं दिन भर, और उनको जो भी चाहिए मिल जाता है, रेलवे, पोर्ट, एयरपोर्ट। ये देखो भैया ड्रोन उड़ रहा है, ये भी ले जाएंगे उठा के। सड़कें, बिजली, पानी, सब कुछ। दो लोग, पांच लोग प्रधानमंत्री की पूजा करते हैं और हिंदुस्तान का पूरा धन उनके हवाले कर दिया जाता है, और करोड़ों लोग, करोड़ों लोग सुबह उठते हैं। किसान 4 बजे उठता है, हाथ फट जाते हैं, खून निकलता है। मैं 2000 किलोमीटर चल रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। भैया हाथ मिलाना, ये देखो हाथ मिलाया, ये किसान नहीं है, ये किसान नहीं है, क्योंकि किसान के हाथ फटे होते हैं। उसका दर्द उसके हाथों में होता है, उसकी तपस्या के निशान उसके हाथों में होती है। और इन सड़कों पे हजारों किसानों से मैंने हाथ मिलाया, और हर एक किसान मुझसे ये पूछ रहा है, घूम फिर कर ये पूछ रहा है, राहुल जी इस देश में हम तपस्या करते हैं, इस तपस्या का हमें फल क्यों नहीं मिलता? फर्टिलाइजर क्यों नहीं मिलता, और जब मिलता है इतना महंगा क्यों है? हमें अपनी मेहनत के लिए सही दाम क्यों नहीं मिलता? हम बीमा का पैसा भरते हैं, तूफान आता है, आंधी आती है, खेत बर्बाद हो जाता है, रोना आता है, और जब हम बीमा की प्राइवेट कंपनी को फोन करते हैं, फोन नंबर में कोई फोन नहीं उठाता, इंटरनेट पे सब कुछ मिल जाता है, मगर किसान को जो बीमा देने वाली कंपनी होती है उनका एड्रेस नहीं मिल सकता। सही? फिर कहते हैं राहुल जी पेट्रोल 60 रुपए का था, आज 107 रुपए का है। हर रोज हमारी जेब में से पैसा निकलता है। राहुल जी हम तपस्वी हैं, ये सारा का सारा पैसा उन 3-4 पूजा करने वाले लोगों के हवाले क्यों जा रहा है? गीता में लिखा है कि तपस्या करनी चाहिए, तपस्या करनी चाहिए और फल नहीं देखना चाहिए, मगर हिंदुस्तान की सरकार का काम
जो तपस्या करता है उनको फल देने का है, और कोई काम ही नहीं है इस सरकार का। मैंने किसानों की बात की, सिर्फ वो तपस्या नहीं करते। चलिए युवाओं की बात करते हैं। इन्हीं सड़कों पे हर रोज युवाओं से मिलता हूं, तपस्या किए हैं, पढ़ाई की है, स्कूल गए, बदमाशी की तो मार भी पिटी है, दो तीन थप्पड़ भी लगे हैं, बच्चे हैं, तपस्या की है, एग्जाम लेते हैं, तपस्या करने के बाद पता लगता है व्यापम स्कैम हो गया, तपस्वियों से चोरी हो गई, छोटे छोटे तपस्वियों से स्टेट की सरकार चोरी करती है, उनका भविष्य खत्म कर दिया। आज बच्चों ने मुझे कहा इंजीनियर बनना चाहते हैं, क्या तपस्या की, पढ़ाई की, इंजीनियरिंग डिग्री ली। अच्छा सिर्फ आपके पास तपस्या थी? नहीं नहीं नहीं, मेरे पिता किसान हैं, उन्होंने भी तपस्या की, मेरी मां रोज खाना पकाती हैं, उनकी भी तपस्या है, मेरी दादी भी मदद करती हैं, उनकी भी तपस्या है। अच्छा डिग्री मिली तो क्या हुआ? चुप हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, क्योंकि इस देश में तपस्या का फल नहीं मिल सकता। बेटा बताओ क्या करते हो? मजदूरी करता हूं मैं, मेरे तपस्या का फल मजदूरी मध्य प्रदेश की सरकार ने, हिंदुस्तान की सरकार ने दिया, नहीं पकोड़े भी नहीं होते भैया, आजकल पकोड़े भी नहीं चल रहे, तो कहने की बात थी। चलिए छोटे दुकानदारों की बात करते हैं, छोटे दुकानदारों की बात करते हैं, और जो स्मॉल और मीडियम बिजनेस है, अच्छा मैं भूल गया, प्रेस वालों की भी बात करनी है, इनकी भी बात करनी है, इनको नहीं छोड़ना, अभी बोलता हूं। तो सुनो सुनो, तो छोटे दुकानदार हैं, उनके साथ नहीं नहीं मैं सबकी बोलूंगा, आज मैं महाकाल गया हूं तो तपस्या की बात करनी है, उन्हीं से सीखा हूं मैं।